नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह। आज मैं आपको शाम का चाय का टाइम होता है तो उस चाय के टाइम में मैं आज पत्ता गोभी के पकौड़े और चाय बना रही हूँ। तो ये गर्मा गर्म पकौड़े तल रहे हैं और यहाँ पर मेरी चाय रेडी हो रही है। यहाँ पर गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हो रहे हैं। तो ये रहे चाय के साथ गर्मा गर्म टेस्टी पकौड़े। ठंडियों में बथुआ मार्केट में बहुत ज़्यादा आता है तो इसलिए आप ठंडियों में बथुए के पराठे हर रोज़ खाइए। और जिस तरह से मैं बनाती हूँ फटाफट बनने वाला बथुए का पराठा, आप भी ट्राई करिए। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये बथुआ है। तो आज मैं बथुए के पराठे बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कितनी आसानी से बथुए के पराठे मैं बना सकती हूँ। तो ये बथुआ है जो कि हमने इसको अच्छे से तोड़ लिया है। इस तरह से ये सॉफ्ट सॉफ्ट डंडी हमने तोड़ ली है। अब इसे करना कुछ नहीं है, बस खाली इसको धो लेना है पानी से। तो इस तरह से अच्छे से डुबा डुबा कर अच्छे से इस पर मतलब अच्छे से इसको धो लेंगे ताकि इसकी जो भी मिट्टी है वो पानी में निकल जाए। तो अब ये इसकी मिट्टी पानी में निकल गई है। इसे हम यहाँ पर एक टोकरी है हमारी तो जिसमें नीचे से पानी निकल जाता है तो इसमें मैं इसको निकाल ले रही हूँ बथुए को। इस तरह से कम से कम हमें दो बार इसको साफ पानी से दो बार धुलना है। ये देखिए कितना गंदा पानी है। हमने दोबारा पानी ले लिया है। अब इस पानी में मैं दोबारा से इस बथुए को डाल दूँगी। इस तरह से हमने इसमें दोबारा से इसे पलट दिया है और इसे अच्छे से दबा दबा कर हम धुल लेंगे और धुलने के बाद वापस इस टोकरी में हम इसे निकाल लेंगे। ये तो इस तरह से हम सारे बथुए को टोकरी में निकाल लेंगे। तो अब हमने ये कढ़ाई गैस पर रख दी है और उस पर हम एक गिलास पानी डालेंगे, एक गिलास पानी डालेंगे। तो ये हमने एक गिलास पानी डाल लिया है और इसी पानी में हम इस बथुए को पलट देंगे। ये मैं इसी पानी में इसको पलट देती हूँ। काटा नहीं है, बस ये पूरा का पूरा इसी तरह से हमें इस पानी में इसको डाल देना है और गैस जला देना है। तो ये हमने गैस जला दिया और हमारा ये बथुआ इसमें डाल दिया है और ये उबल रहा है और इसको हमें ढक देना है जब तक कि उबाल नहीं आता। तो ये इसमें ढक दिया है। 5 मिनट में हम देखेंगे कि बथुआ हमारा उबल गया है। ये उबाल आएगा उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। आटे में हम इसको गूँथें तो ये आराम से मिस जाए आटे के साथ, कड़ा ना रहे, बस इतना ही करना है। देखिए ये इसमें एक उबाल आ चुकी है और ये सारा का सारा एकदम से पिटक गया है। इस तरह से एक ही उबाल में ये अच्छे से सारा पिटक गया है, ये देखिए। और इसमें जो पानी निकला है उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, उसी पानी से इसको इस पानी को ठंडा करेंगे और इसी पानी से हमारा गूंदेंगे। तो अब ये उबल गया है और मैं गैस बंद करती हूँ। तो हमने गैस बंद कर दी है और अब इसे हम किसी छन्नी में इसको वापस पलट देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए और ये पानी, ये जो बथुआ है, पानी से अलग हो जाए। तो हमने हमने इस बर्तन पे इस छन्नी को रख दिया है और वो इसलिए रखा है कि जो पानी होगा इसका वो नीचे इस बर्तन में आ जाएगा। बथुए को इस छन्नी में निकाल लिया है और इसका पानी नीचे इस बर्तन में आ गया है। तो अब इसे हम इसी तरह इसको रहने देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तब तक हम इसके लिए आटा तैयार कर लेते हैं। इस आटे में मैं उबाला हुआ बथुआ डालूंगी। तो ये हमारा उबाला हुआ बथुआ जो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा बथुआ एकदम लच्छेदार दिख रहा है। लच्छेदार इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये काटा नहीं गया है। जब मैं इसको उसमें मिक्स करूंगी आटे में तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए एकदम से ये मिक्स रहा है। यहाँ पर मैं आप दिखाती हूँ, ये हल्का सा एक उबाल आने के बाद हमने इसे गैस को बंद कर दिया और इसे निकाल लिया और ये देखिए कितने अच्छे से ये पूरा मसल रहा है। तो अब मैं इसमें बाकी सारे सामान डालती हूँ। तो ये मैं सबसे पहले इसमें 1/4 चम्मच हींग ले लेती हूँ। तो ये मैंने हींग इसमें डाल दी। उसके बाद हमें भुना जीरा पाउडर लेना है। तो ये मैं 1 चम्मच इसमें भुना जीरा पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच इसमें अजवाइन डालती है। और अब इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डालूँगी और इसी तरह से 2 चम्मच मुझे इसमें नमक डालना है। 2 चम्मच में इसमें नमक डालना होगा। तो ये मैंने 1 चम्मच डाल लिया है। 1 चम्मच मैं इसमें और नमक ऐड करूँगी। तो ये मैंने 1 चम्मच नमक और ले लिया है। तो ये हमारा 2 चम्मच इसमें नमक पड़ गया। तो अब इसे मुझे अच्छे से इसको मसलना होगा। ठीक है, मैं इस तरह से इसको अच्छे से हाथों से अच्छे से इसको रगड़ रगड़ कर मसल मसल कर ऐसे मिक्स करूँगी और ये सारा का सारा अच्छे से एकदम टूट जाएगा बथुआ। तो सारा बथुआ इस तरह से टूट जाएगा और इस आटे में मिक्स हो जाएगा। जब ये इस तरह से हमने सारा इसमें आटा सोख लिया है, जितना इसको चाहिए था इसमें आटे को, मतलब जितना इसमें नमी थी बथुए में, तो इसने आटे को उतना सोख लिया। उसके बाद अगर ये
फिर भी ड्राई रहता है, ये नहीं सो पा रहा है आटे को, तो हम इसमें ये वाला पानी डालेंगे जो कि हमने बथुए का पानी निकाल के रखा था, वो ठंडा हो चुका है। तो ये मेरा बथुए का पानी है, बथुए का पानी है जो कि हमने निकाल के रखा था वो ठंडा हो गया है, इसलिए मैंने इस पानी को फेंका नहीं। इसी पानी से मैं आटा गूंदूंगी, जो भी विटामिन होंगे वो सारे आटे में आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर आटा ड्राई है तो इसमें अभी और पानी पड़ेगा। तो इस तरह से सारा पानी इसमें डल चुका है और इस तरह से मेरा आटा पूरा घुल चुका है। ये देखिए हमारा आटा अच्छे से घुल चुका है। आप सोच रहे होंगे कि मतलब बथुआ कच्चा अगर रहता तो ज़्यादा उसमें पौष्टिकता बनी रहती। कुछ लोग क्या करते हैं, कच्चे बथुए से भी पराठे बनाते हैं, लेकिन कच्चे बथुए के पराठे में तो मैंने भी एक दो बार इसे ट्राई किया, कुछ जगहों पर ये जो हमारा बथुआ है वो अच्छे से पक नहीं पाता पराठे में, तो वो मुँह में कई बार आ जाता है और वो खाने में थोड़ा ख़राब लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको अगर हम अपने एक्सपीरियंस से एक बार एक उबाल के साथ हम इसे अगर और उसके बाद हम आटे में मिक्स करें तो इसकी पौष्टिकता बिल्कुल बरकरार रहेगी, खत्म नहीं होगी और मुझे वो सारी पौष्टिकता मिलेगी जो हमें कच्चे बथुए में मिल जाती है। जो हमें कच्चे बथुए में मिलती है वही पौष्टिकता हमें चाहिए। इस तरह से हमें पौष्टिकता से भरपूर बथुए का पराठा मिल जाता है। तो दोस्तों ये हमारे बथुए के पराठे बनाने का आटा तैयार हो चुका है, तो अब मैं पराठा बनाने चलती हूँ। दोस्तों बथुए का पराठा बनाना बहुत ही आसान है, हमने शुरू में आपको बताया था कि मैं बथुए के पराठे के लिए बथुए को काटूंगी नहीं, बथुए के पराठे बनाऊंगी और काटने में जो हमारा समय जाता है वो समय मैं बचाऊंगी और कम से कम समय में आपको बथुए के पराठे बनाकर दिखाऊंगी। और अभी हमारा आटा अच्छे से गूंद चुका है, कम से कम आधे घंटे के लिए इसे हम रख देंगे, उसके बाद आधे घंटे के बाद हम इसके पराठे बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट पराठे आपको मिल जाएंगे। तो आटा मेरा ये सॉफ्ट हो चुका है, अब मैं पराठे बनाने जा रही हूँ। तो इस तरह से मैं सारी गोलियां काट लूंगी। चाकू से काटने में एक आसान बात रहती है कि हमें गोलियां बनाते समय बहुत ही आसान रहता है। इस तरह से मैंने सारे पेड़े बना लिए, तो अब ये पेड़े हमारे इस तरह से बन जाएंगे और मैं फिर उसके बाद आराम से एक एक पराठा बेलती जाऊंगी। तो अब इसे ऐसे गोल करना बहुत ही आसान है, देखिए गोल हो गया फटाफट और इसका मैं पेड़ा मेरा इस तरह से मिलाई पेड़ा बन गया है, तो अब मैं इसको बेलूंगी। इसके बीच में हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और उसके बाद इसको मैं इस तरह से मोड़ दूंगी। इस तरह से तेल लगाने से इसको वापस मोड़ने से इसकी परतें बन जाती हैं और वो बहुत ही देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। इसकी परतों की वजह से इसकी परतें बहुत ही पतली पतली सी हो जाती हैं और ये सॉफ्टनेस बन जाती है इसमें। अगर यहीं पर हम इसका पराठा गोल बनाएंगे तो गोल बनाने में ये रहता है कि उसमें उतनी सॉफ्टनेस नहीं आती जितनी की परतों वाले पराठे में आती है। तो इस तरह से अब हम इसको बेल लेंगे। तभी पे मैंने ये पराठा डाल दिया है। अब यहाँ पर जब तक ये पराठा तभी पे सीखा है मैं दूसरा पराठा बेल लेती हूँ। तो हमारा ये पराठा एक तरफ सीख गया है, मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड पराठा भी मिल चुका है, अब मैं इसे भी तवे पर सेकती हूँ। तो इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे तो पराठे की सॉफ्टनेस और ज़्यादा अच्छी आएगी। भी इसमें आप जो भी ऑयल लगाएं, रिफाइंड ऑयल या फिर सरसों का ऑयल या फिर घी, उसे थोड़ा सा ज़्यादा लगाएगा तो इसकी सॉफ्टनेस बहुत अच्छी उभर कर आती है और ये हमारा पराठा खाने में एकदम लाजवाब लगेगा। घर के सब लोग आपकी वह वाही करते थकेंगे नहीं। ये देखिए जब तक हम गए कमरे में इनको पराठा देने, देखिए मेरा ब्लोवर चल रहा है और यहाँ पर ये कुर्सी पड़ी है जिस पे ये बैठे थे। सब घर में लापरवाह है। वहाँ पे हमने कुर्सी देखी कि ब्लोवर चल रहा था, कुर्सी सेक रही थी, तब तक यहाँ पे आए वापस तो ये हमारा पराठा एकदम जल गया है। गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी
इस तरह की लापरवाही होती है क्या? तो ये लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म बथुए के पराठे दही के साथ खाइए।